Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series and here is a book, Science Spark. Today we are going to start chapter number 6 and the name is Living and Non-Living Things. And this is unit 2 of your book. Now, in this chapter we will learn characteristics of living and non-living things and living things dependent on each other. So these all things we are going to learn in this chapter. Let's start with the warm-up exercise. Put a tick if the things numbered are correctly described as living and non-living thing. तो आपको बताना है कि ये जो numbers हैं क्या वो सही से लिखे हैं. First number पे क्या है? Sun. तो sun क्या एक living thing है या non-living thing? Next, second number पे आप देख सकते हो bird. Bird एक living thing है. अगर है तो आपको tick लगाना है, नहीं तो cross. Third is tree. Is it living or non-living? So tick it. Next, fourth one is a table. Table क्या non-living है? Yes. Fifth is dog and sixth is plant. So you have to do this exercise yourself. We see a variety of things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी. Some have life and are living. इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो जिंदा हैं, ये इन्हें हम लिविंग थिंग कहते हैं. अदर्स डू नॉट हैव लाइफ एंड आर नॉन लिविंग. जो दूसरी चीज़ें उसमें लाइफ नहीं होती है उन्हें नॉन लिविंग कहा जाता है. प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. ये जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बीइंग हैं इन्हें लिविंग थिंग कहा जाता है. चेयर टेबल रॉक सैंड हिल ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग कहलाते हैं. चिल्ड्रेन यू हैव टू डू दिस एंड लर्न दैट थिंक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 लिविंग थिंग्स. आपको क्या करना है? सोचना है और 5 चीजों के लिस्ट बनानी है. 5 चीजों की जो लिविंग है एंड 5 चीजों की जो नॉन लिविंग है. यू सी ऑन योर वे फ्रॉम स्कूल टू होम. आप स्कूल से घर जब जाते हो तो आपको कौन सी 5 चीजें दिखती हैं जो लिविंग हैं और 5 नॉन लिविंग. तो उनकी लिस्ट बनानी है. Now let's learn the characteristics of living and non-living thing. क्या क्या characteristics and living or non-living things के? So there are many differences between living and non-living things. तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्या हैं? Differences हैं. Living things can do many things that non-living things cannot. ये जो living thing हैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो non-living thing नहीं कर पाते. Living things need food. ये जो living thing है इन्हें क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है. Living thing need food to grow. अगर living thing को बड़ा होना है, grow करना है, तो उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए. Food gives them energy to work. Food क्या करता है? इन्हें energy देता है काम करने के लिए. Animals eat plant or flesh of other animals as food. सो एनिमल्स क्या करते हैं? या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं अपना खाना बनाने के लिए या फिर खाना समझ के. प्लांट्स डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड. अब जो प्लांट्स हैं उन्हें फूड की तलाश में इधर उधर कहीं भी नहीं जाना होता है. वो क्या करते हैं? दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट. तो एयर वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. Plants take water and nutrients through their soil, through their roots. तो plants क्या करते हैं? पानी soil में से अपना root के through वो water and nutrients ले लेते हैं. Non-living things do not need food. लेकिन जो non-living things हैं उन्हें ना बढ़ने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है. उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Your doll and teddy bear do not eat food. आपके पास जो भी doll होगी या जो teddy bear होगा उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती. आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है, ये एक living thing है तो ये खाना खाता है. एक यहाँ पे bird है जो living thing है, इसे भी खाने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो goat है वो भी खाना खाती है और जो ट्री है इसे भी हम लिविंग थिंग कंसिडर कहते हैं. सो दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स दैट नीड फूड. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स है वो अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, मूव करते हैं.
सो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, अपने आप वो मूव कर सकते हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. जो एनिमल्स हैं खाने की तलाश में, अपने घर की तलाश में, वो अपनी जगह को बदलते रहते हैं. सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, टाइगर वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, काउ, ये सब क्या करते हैं, अपने पैरों से चलते हैं. सम एनिमल्स लाइक बर्ड एंड बीज हैव विंग्स. कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास विंग्स हैं, पंख होते हैं, तो वो उड़ते हैं हवा में. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फिश हो गए या व्हेल हो गई, ये पानी में अपनी बॉडी में जो फिन्स होते हैं उसके थ्रू मूव करते हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉग है वो अपने लेग्स से चल रहा है, बर्ड अपने विंग्स से फ्लाई कर रही है, और फिश अपने फिन्स की मदद से स्विम कर रही है. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम they can make their food themselves. But different parts of the plant can show movement. So plants जो है अपनी खाने की तलाश में इधर उधर मूव नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं. But उनके जो different parts होते हैं वो movement को show करते हैं. जैसे पत्तियाँ हिलती हैं, फूल मूव करता है, उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, ये सब मूव करते हैं एयर के साथ. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार्स एंड ब्रिक्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कार है या जो ब्रिक्स हैं वो अपने आप मूव नहीं करते. द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन. जैसे सनफ्लावर है वो हमेशा उसका फेस आपको सन की तरफ दिखेगा. The leaf of the touch me not plant close when touched. Touch me not plant के को अगर आप उसके पत्तों को छुएंगे तो उसके leaves अपने आप ही बंद हो जाते हैं. Next is living things grow. Living things grow करते हैं. So living things grow and change. Living things grow भी करते हैं और change भी करते हैं. So आप देख सकते हो जैसे कि एक baby था, अब वो बड़ा हो गया है और वो अब एक adult बन चुका है. Similarly a fawn grows into a deer. So deer का बेबी बड़ा होके deer बन जाता है. A sapling grow into a tree. एक छोटा सा पौधा बड़ा होके एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है. So जितने भी living things हैं वो grow करते हैं, बड़े होते हैं. Non-living things do not grow. लेकिन जो non-living things हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो उतने के उतने ही रहते हैं. A table और a computer do not grow. So ये जो चीज़ें हैं जो non-living things हैं वो grow नहीं करती. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीद. लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद इन एयर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं. फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीद. फिशेज के पास क्या होता है, गिल होता है. ये आप देख सकते हो तो गिल से ये क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं. इंसेक्ट ब्रीद थ्रू देयर होल्स इन देयर बॉडी. अब जो इंसेक्ट है उनकी बॉडी में होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं. Human being breathe through their nose. हम human beings अपने nose से breathe करते हैं. Plants exchange air through tiny holes on their leaves. और plants क्या करते हैं, उनके leaves पे छोटे छोटे holes होते हैं जिन्हें हम stomata कहते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं. These tiny holes are called stomata. और इन छोटे छोटे holes को हम stomata कहते हैं. So here you can see the picture of all these. Those who use their different body parts to breathe in air. Non-living things do not breathe. Lekin jo non-living things hain wo saans nahi lete. Now here is an activity. Let's do that. Aim is to watch plants grow. Plant ko grow karna dekhna hamara aim hai. Now what are the materials required? Bean seed, soil, a glass jar and water. तो कुछ बीन के सीड्स लेने हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, एक ग्लास का जार लेना है और थोड़ा सा पानी चाहिए हमें. अब हमें क्या करना है, टेक सॉइल इन अ ग्लास जार. पहले तो मिट्टी डालनी है ग्लास जार में. प्लेस बीन सीड इन इट एंड वाटर इट. तो एक बीन का सीड उसमें डाल दीजिए मिट्टी में और उसमें पानी डाल दीजिए. कीप इट आउट इन द सन. अब उस जार को सूरज की रोशनी में रख दें. Water it regularly and watch the plant grow. आप उसको रोज पानी डालते जाइए, आपको वहाँ पे वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिखेगा.
तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन थी? ऑब्जर्वेशन थी कि आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल सी बेबी प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड. आप देखोगे सीड में से एक बेबी प्लांट निकल चुका है, जैसे आपके सामने है. अब कंक्लूजन क्या है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग एंड सो दे ग्रो. प्लांट्स जो है लिविंग थिंग है, इसलिए वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? फील करते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स फील. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फीलिंग होती है, सब फील करते हैं. वेन एवर वी फील सम पेन. अगर मान लीजिए कभी आपको कोई पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं? हम चिल्लाने लगते हैं या फिर रोने लगते हैं. इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो क्राई वेन दे फील हर्ट. इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं जब उन्हें चोट लगती है. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट दे कैन फील द चेंज अराउंड देम. उनके आसपास जो भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही है ना, उसे वो फील कर सकते हैं. अ प्लांट केप्ट इन अ शेड विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. अगर किसी प्लांट को हमने छांव में रख दिया तो वो क्या करेगा पता है आपको? वो जहाँ पे भी सूरज की रोशनी होगी उस डायरेक्शन में वो ग्रो करना शुरू कर देगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील नहीं करते. If you drop your pencil, it will not be hurt. अगर आपने अपनी पेंसिल गिरा दी तो उसे चोट नहीं लगेगी. Next है living things reproduce. Living things जो अपने जैसे दूसरे भी reproduce करते हैं. So most plants produce seed. ज़्यादातर जो plants हैं वो क्या करते हैं? बीज पैदा करते हैं. That grow into new plant. जिससे नया plant बनता है. Dogs give birth to puppies. Dog क्या करते हैं? अपने जैसे छोटे छोटे puppies को पैदा करते हैं. Cows जो है अपने छोटे बछड़ों को पैदा करते हैं, जिन्हें calf कहा जाता है. और इसी तरीके से दूसरे animals भी reproduce करते हैं. Human being have babies too. जो human being है वो babies को reproduce करते हैं. यहाँ देख सकते हो elephant का baby and cat का baby. So human beings and some animals give birth to young ones. Children, do you know that a crocodile can live without food for up to 2 years? आपको क्या पता है कि जो crocodile है बिना खाने के 2 साल तक जिंदा रह सकता है? Isn't it amazing? Birds and some animals such as crocodiles, fishes, lizards and turtles lay eggs. So जो birds होते हैं, crocodiles होते हैं, fishes, lizards, turtle, ये सारे क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं. The young one hatch from eggs. उनके जो young ones हैं वो अंडों में से निकलते हैं. So living organisms produce more organisms like themselves. Living organisms क्या करते हैं? अपने जैसे बहुत सारे organisms को पैदा करते हैं. दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. सो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं. मोस्ट प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सीड. ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं? वो सीड से ही एक नया प्लांट बनाते हैं. तो वो सीड्स देते हैं जिससे एक नया प्लांट बनता है. अ सीड ग्रोज इन टू अ सीडलिंग. सीड क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है. एंड लेटर टू अ बिग प्लांट. और फिर बाद में वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. योर डॉल और कार विल नॉट हैव यंग वंस. तो आपके पास जो कोई डॉल होगी या कार होगी उसके यंग वंस नहीं होते. कैन योर पेंसिल बॉक्स प्रोड्यूस अ बेबी. पेंसिल बॉक्स फॉर यू. क्या आपका जो पेंसिल बॉक्स है क्या वो बेबी पेंसिल बॉक्स को प्रोड्यूस कर सकता है? येस और नो. सो राइट ऑन द आंसर हियर. लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. चाहे वो डायरेक्टली एक दूसरे पे आश्रित हो या इनडायरेक्टली. प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल विथ फूड एंड शेल्टर. प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को फूड और शेल्टर देते हैं. एनिमल्स हेल्प प्लांट इन स्कैटरिंग देयर सीड्स टू फार अवे प्लेसेस एंड इन प्रोड्यूसिंग सीड. एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनके जो बीज हैं उसे इधर उधर फैलाने में, दूर जगहों तक ले जाने में, ताकि जो है नए प्लांट्स उनके जैसे प्रोड्यूस हो सके.
दे वेस्ट एक्ट एज मैन्योर. ये जो एनिमल्स हैं या ये जो प्लांट्स हैं, इनका जो वेस्ट है एज अ मैन्योर यूज होता है. द डेलिकेट बैलेंस इन नेचर हैज टू बी मेंटेन. नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है, उसे मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है. इफ वी कट डाउन ट्रीज टिल डाउन ट्रीज और किल एनिमल्स, अगर हमने पेड़ों को काटा या फिर एनिमल्स को मारा, दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड एंड कैन हार्म ऑल लिविंग थिंग्स. तो क्या होगा, हमारा बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा, जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको नुकसान पहुँचेगा. सो ऑल लिविंग थिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको बचाना, प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. Here you have to complete the following table. So here you can see there are two columns, living and non-living things. So living things need food to live and grow. So non-living things mein kya aega? Non-living things do not need food to live and grow. अब कह रहा है दे कैन नॉट ब्रीथ, सो हम यहां पर लिखेंगे दे कैन ब्रीथ. सिमिलरली दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक. Living and non-living things are different from each other in many ways. ये जो living और non-living things है एक दूसरे से काफ़ी different है, अलग अलग तरीकों से. Living things move on their own. Living things need air to breathe. Living things need food to grow. Living things feel change around them. Living things reproduce. Non-living things do not move, do not breathe, do not need food, do not grow, do not feel and do not reproduce. Now let's learn the new words that we have learned in this chapter. We have learned living things. So things that move, grow, breathe, need food, feel change and reproduce are living things. Non-living things are things that do not move, grow, breathe, need food, feel change and reproduce. Next is stomata. Stomata is a tiny pore in the leaf through which plants breathe. And reproduction is a process by which living things produce more of their own kind. Now children, let's move on to book exercise. Here the first exercise is take the correct option. So which of these can grow? इनमें से कौन सी चीज़ें grow कर सकती है? क्या rock, calf, table या फिर toy car? So calf can grow. Animals that lay egg to reproduce. ऐसे animal का नाम बताइए जो leg को lay करता है eggs को. Eggs को पैदा करता है reproduce करने के लिए. क्या वो bird है, whale है, horse है या फिर giraffe है? So the correct answer is bird. Things which is man-made. ऐसी चीज जो man ने बनाई है, क्या वो tree है, mountain है, bus है या फिर water? So man ने बनाया है bus को. So like this children, do the rest two questions yourself. Next let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct word. So यहाँ पे आपको words दिए गए हैं, आपको उसमें से choose करना है. So all plants and animals are living things? Yeah, some plants and animals are living thing. So all plants and animals are living thing. Animals move from place to place in search of food only, food and shelter. तो animals अपनी जगह क्यों बदलते हैं? सिर्फ खाने की तलाश में या खाना और shelter दोनों की तलाश में? So they move in search of food and shelter. Similarly, children, do the rest two questions yourself. Now, let's move on to matching. Birds dash. So, आपको birds के साथ match करना है. Birds have wing. Plants grow from seed. Similarly, children, do the rest two questions yourself. Next, D part. Write true or false for the following statements. A cycle cannot move on its own. Yes, this is true. अपने आप थोड़ा ना चलती है cycle. Living things feel changes around them. Living thing क्या है? अपने आसपास changes को feel करते हैं. Through their sense organs. So yes, this one is also true. Now, third one, a dog lays egg.
जो डॉग है वो अंडे देता है, क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई पार्ट व्हिच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. Why do living things need food? So living things need food to grow. Next, how do living things breathe? Give any two examples. How do living things feel? Changes around them. Give two examples. And what is reproduction? How do plants reproduce? So these three questions are your homework, children. Do them yourself. So children, with this we have completed this chapter. I hope you have learned so many things about living and non-living things. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.